दमघोटू हवा से बिगड़ रही मुंबईकरों की सेहत, सीएम शिंदे की बैठक में कृत्रिम बारिश करवाने पर हुआ विचार। महाराष्ट्र में एसटी ड्राइवरों को अब स्टीयरिंग व्हील संभालने से पहले अपना मोबाइल कंडक्टर को सौंपना होगा। मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी द्वारा किए जा रहे कामों का निरीक्षण किया। प्रेमिका की हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर उड़ीसा ले जाने की फिराक में था हत्यारा, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई में वायु प्रदूषण को रोकने के नियमों का पालन न करने पर मुंबई में पहला मामला दर्ज हुआ, बिल्डर हुआ शिकार। मुंबई में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों का पालन न करने पर पहला मामला मुंबई में हुआ दर्ज, बिल्डर ने की थी नियमों की अनदेखी। न्यूयॉर्क जा रहा एयर इंडिया का विमान तकनीकी खराबी के बाद मुंबई लौटा। मुंबई में बीएमसी को 9 दिनों में कूड़ा जलाने की 53 शिकायतें मिली। पीएम मोदी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, दाऊद इब्राहिम गैंग से है कनेक्शन। शीतकालीन सत्र इस बार होगा छोटा, 3 दिन में होंगे सभी विधायी कार्य। मुंबई में प्रदूषण से थोड़ी राहत, हवा की क्वालिटी में हुआ थोड़ा सुधार। मुंबई में बीएमसी ने तपेदिक और कुष्ठ रोग के मामलों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया। अपराध के शिकार पीड़ितों को मुआवजा दिलाना अदालतों का कर्तव्य, बॉम्बे हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 584 किलोमीटर सड़कों की धुलाई, माया नगरी मुंबई में दमघोटू हवा से आंशिक राहत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 117 पहुंचा। महाराष्ट्र बीजेपी ने सबसे लंबे समुद्री ब्रिज के उद्घाटन की बताई तारीख, 97% पूरा हो चुका है काम। दिल्ली के डॉक्टर को भारी पड़ा रिफंड, 113 रुपए के चक्कर में लूट गए 5 लाख रुपए। मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर किया फोन, बुजुर्ग को लगा 1,52,00,000 का चूना, आप भी रहें सावधान। वसई विरार में रहने वालों के लिए बड़ी खबर, अब पानी की टेंशन खत्म, सूर्या डैम से जल योजना के तहत मिलने वाला है पानी। मुंबई बीजेपी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के शुरू होने की तारीख का किया ऐलान, एमएमआरडीए ने किया खारिज। मुंबई में बढ़ रहा साइबर क्राइम, बढ़ रहे ऑनलाइन घोटाले, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के नाम पर दिखाया डर, ओटीपी से लाखों की ठगी। महाराष्ट्र के नवे मुंबई में नगर निगम अधिकारी को 5,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। निर्णायक चरण पर पहुंचा मराठा आरक्षण आंदोलन, 1 दिसंबर से होगी क्रमिक अनशन की शुरुआत। पाकिस्तान के कॉल सेंटरों से लोन ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर रहे चीनी साइबर अपराधी, आईपी एड्रेस को किया गया ट्रैक।